दोस्तों एक दफ़ा नहीं दो दो दफ़ा भोला देख लिए है हमारे सभी के चहेते ऑटो वाले अंकल ने। पीछे हमारे ऑटो वाले अंकल खड़े हैं अशोक सर। दो दो दफ़ा आपने देख लिया है भोला, कैसी लगी आपको फिल्म और क्या कहना चाहेंगे? भोला जो है क्योंकि कल से ही जो है मैं सोच रहा था देखूं, लेकिन दोस्तों जो है बिगर मैं जैसे KGF चैप्टर 1 देखा था, 16 बार देखा था, लेकिन ये मूवी जो है मैं ये इसमें ये देखा कि ये मूवी जो है ऐसी बनाई गई है आज तक जो है कोई मूवी में ऐसा एक्शन और ऐसा मतलब आदमी नर्वस होने जा रहा है ना, वहाँ पे एक्साइटेडमेंट आ जा रहा है, फाइट आ जा रहा है और फूल मतलब ऐसे आ जा रहा है कि देखने को दिल कर रहा है और टॉयलेट को भी उठने के लिए दिल नहीं कर रहा है, तो वैसी मूवी अच्छी लगती है। तो आपने दोबारा देखा, पहली फिल्म देखी आपने स्लीपर्स में 3D में, हाँ, और आज आपने देखी 2D में, दोनों में कुछ फर्क लगा आपको? हाँ, फर्क ये लगा कि 3D में कुछ अजीब दिया अच्छा लग रहा था और भी अच्छा लग रहा था। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसमें जो है ना कुछ सामने सामने दिख रहे थे, इसके लिए कुछ अलग लग रहा था, और वो गाड़ी बीड़ी जब उड़ते हैं ये सब जो है, बाइक जब जंप करती है तो अच्छा लग रहा था, ये थोड़ा सामने एकदम जगह पे दिखता है, थोड़ा बहुत फर्क था। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे एक्शन देखना था और अजय देवगन जो है इतने अच्छे मतलब है उन्होंने डायरेक्शन किया, वो मुझे वापस देखना था कि ये मैं इतना बोलते जा रहा हूँ सही है कि गलत है। देखिए पहली बात क्या है, मूवी चाहे जितनी भी चले हिट हो या फ्लॉप हो, लेकिन ये मूवी से जो है अजय देवगन को इतनी सराहना मिलेगी। और मैं आपको बता दूँ ये मूवी जो है ना बहुत इससे प्रचार हो जाएगा, और सेकेंड अगर ये नहीं भी चली तो सेकेंड पार्ट आएगा ना तो दोस्तों वो KGF क्या हर एक बहुत से कई ऐसे मूवी का रिकॉर्ड तोड़ेगा, ध्यान में। और पहली दफ़ा देखा और सेकंड दफ़ा देखा में कुछ फ़र्क आया कुछ कि एक ही जिससे लगा अच्छा? देखो फर्क ये आया कि लगा कि अगर कोई मुझे वापस ले जाके थिएटर में बैठा दे तो मैं वापस देखते ही रहूँ, इतना अच्छा लगा। हाँ, मूवी मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत दिन के बाद ऐसी कोई मूवी आई कि बार बार देखने को दिल कर रहा, धंधा बिंदा छोड़ के उसी मन नहीं कर रहा। अभी औरत का भी फ़ोन आ रहा है भाई, तो मैं आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाऊंगा अशोक सर। हाँ। आप जाके इंजॉय करिए, आपका काम धंधा करिए और ऑटो वाले अंकल चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि बहुत सपोर्ट करते हैं, दो दफ़ा भोला देख ली जहाँ लोगों ने एक एक दफ़ा नहीं देखी कुछ। देखिए और मैं एक बात बोलता हूँ, देखो अजय देवगन ने बहुत मेहनत की है और जो डायरेक्शन उन्होंने किया है और जो उन्होंने एक्शन पूरा वीरू देवगन के लड़के हैं ये बता दिया, ये मूवी से उन्होंने ये बता दिया कि मैं वीरू देवगन का लड़का हूँ, पहली बात। अब जो है आगे के लिए जो भी जितनी भी निकले चाहे थोड़ी बहुत लॉस भी हो, लेकिन ये मूवी के बाद जो है जो भी मूवी वो बनाएंगे इससे भी डबल मास बनाएंगे, ये सही बोल। और मैं आपको बता दूं कि ये मूवी जो है ना मिस मत करो मेरे दोस्त, देखो जरूर एक बार। हम लोग जो बोल रहे हैं ना मजाक नहीं कर रहे हैं, ये समझो है ना, ये नहीं मैं बोलूँगा शोले है, लेकिन एक तरफ से देख लो समझ लो कि वो शोले भी ऐसी थी, 2 साल तक अच्छी चल रही थी और पब्लिक नहीं थी, 2 साल के बाद धीरे धीरे पब्लिक ने प्रचार किया, लेकिन उस टाइम पर मोबाइल TV नहीं था और ये टाइम पर सब कुछ है, प्रचार होने को टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये मूवी जो है मिस मत करो, बहुत एक नंबर है, देखो जरूर एक बार फैमिली के साथ। यानी कुल मिला के अशोक सर कहा जाए तो अशोक सर एक आम आदमी है और एक आम लोगों की सोच के हिसाब से फिल्म देखते हैं और इनकी अगर बात इतनी अच्छी है, दो दो बार फिल्म देखा तो फिल्म वाकई में अच्छे दोस्त है। चलिए फिलहाल कितने अशोक सर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा।